गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, आप सब लोग बिल्कुल हेल्दी हो, स्वस्थ हो। ठीक है गाइज, अगर नहीं हो, थोड़ी बहुत हेल्थ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ज़रूर मेंटेन करो, क्योंकि बिना हेल्थ के हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते, हमारा माइंड अच्छे से वर्क गाइज नहीं कर सकता। तो राइट, तो हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। राइट, थोड़ा मतलब ठंडी चीज़ें मत खाओ, अपना सेहत का ध्यान रखो, कूलर एसी वगैरह में अभी मत सो। राइट, थोड़ा सा मतलब पंखे तक ही रखो, मच्छरों को पास मत लगने दो, डेंगू मलेरिया ये सब भी बीमारियाँ इस सीज़न में आती है। और बाकी घर पर ही रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। तो गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कल की क्लास में हमने पढ़ा एवरेज एटॉमिक मास, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो गाइज। राइट, उसके बाद हमने इन आइसोटोप्स के लिए एक स्पेशल तरह के मास का यूज़ करते हैं, उसको हमने बोल दिया कि भाई ये एवरेज एटॉमिक मास होगा, और वो एवरेज एटॉमिक मास लगभग लगभग उसी के बराबर रहता था जो हमारा सिंपल एटॉमिक मास आता था, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ, एक टर्म है तो पता होनी चाहिए कि भाई किसके लिए यूज़ करते हो और कहाँ पर यूज़ करते हैं। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना भी सिखाया कि वो कितनी नेचर में मिलते हैं, उनके हिसाब से, परसेंट के हिसाब से उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे थे। फिर मैंने आपको परसेंट कंपोजिशन निकालना लास्ट क्लास में सिखाया, और परसेंटेज कंपोजिशन निकालना मैंने आपको वाटर के अंदर सिखाया था, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था घर से करने के लिए। एक क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, उसको वापस से लिख लेते हैं कि फाइंड आउट दी परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन C2H5OH। राइट, तो इसी का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे, मैच करना कि तुम लोगों ने सही किया था कि नहीं किया था, और अगर मुझे करके भेज ही दिया होगा तो मैं भी तुम्हें बता दूंगा कि सही किया कि गलत किया गाइस। तो सबसे पहले निकालते हैं परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन अगर हम लोग निकालेंगे, परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो ये निकालने के लिए गाइज हमें पता होना चाहिए कि जिस एलिमेंट का तुम लोग निकाल रहे हो, यानी कि मास ऑफ द एलिमेंट, और यहां पे मास कौन सा आएगा? एटॉमिक मास आएगा, क्योंकि एटम का निकालते हैं हम यहाँ पे, किसका निकालते हैं? एलिमेंट का, एलिमेंटल मास मतलब एटॉमिक मास अपॉन मोलर मास, और मल्टीप्लाई कर देते थे 100 से, जिससे परसेंट में आंसर आ जाता था। अगर कार्बन का निकालेंगे तो कार्बन का कैसे निकलेगा गाइस? कार्बन का मास कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। और इस C2H5OH के पास केवल एक ही कार्बन है ना, तो 12 × 2, इसके पास दो कार्बन है, 12 × 2 अपॉन टोटल मास। अब टोटल मास निकालना पड़ेगा इथेनॉल का, इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं, कल मैंने आपको समझा दिया था। तो इथेनॉल का मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, साइड में एक बार उसको निकाल लेंगे। जैसे आप आगे की चैप्टर पढ़ते चले जाओगे ना, जब आप केमिस्ट्री को अच्छे से जान जाओगे, तो ये एटॉमिक मास निकालना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसको फॉर्मूला मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूला मास। तो कार्बन कितने हैं? दो। एक कार्बन का होता है 12, तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 5 यहां भी दिख रहे हैं और एक यहां भी दिख रहा है, 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6 का हो जाएगा 1 × 6 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना होता है गाइज? 16। तो ये आया 24 प्लस 6 प्लस 16, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 और 6 30 और 16 46, यानी कि इसका जो वेट आएगा गाइज वो आएगा 46। तो हम क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 46 मल्टीप्लाइड बाई 100। आगे फर्दर कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो 12 × 2 कितने होते हैं? 24 अपॉन 46 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे गाइज, अगर इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 52.14%, यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आई अल्कोहल के अंदर? 52.14%, यानी कि आधे से ज्यादा तो कार्बन होता है। इसके बाद निकालते हैं गाइज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, तो 1 × 6 अपॉन टोटल मास कितना है? 46 मल्टीप्लाइड बाई 100। और जब इसको सोल्व करेंगे गाइज, तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 13.13%, यानी कि कार्बन है 52.14% और हाइड्रोजन है 13.13%। उसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका निकालेंगे गाइस? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एक ही है, उसका मास कितना है? 16/46 मल्टीप्लाइड बाई 100। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 34.73%, यानी कि एक आंसर आया आपके पास यहां से, एक आपके पास परसेंटेज आई ये और एक आपके परसेंटेज आई ये। राइट है गाइज? दिस इज फॉर कार्बन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एंड दिस इज फॉर ऑक्सीजन। ये थे आपके गाइज लास्ट क्लास में जो मैंने कल किया था उसके 3 आंसर्स। और ऐसा सवाल जरूरी है कि वो आपसे आपके स्कूल में पूछे, स्कूल में ये सवाल पूछे जाते हैं, स्कूल में ये सवाल गाइज पूछे जाते हैं। छोड़ देते हैं इसको, ये भी खराब कर रहा है, इसको सिंपल हाथ से कर देते। क्लियर? ये था एटॉमिक मास निकालने के लिए। फटाफट से इसको लिखो, फिर क्लास आगे बढ़ाते हैं। ये था लास्ट क्लास का, इसको करो। फटाफट से इसको लिखो गाइस, फिर आगे चलते हैं। ये सवाल था, ये पेपर में आ सकता है और ये तुम्हारी एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है। चैप्टर को आगे की तरफ लेके चलते हैं। इसको सोल्व कर सकते हैं गाइस, अपने आप सोल्व करना। सोल्व करने का बड़ा आसान सा फंडा है, इसको पहले 2 से डिवाइड करो या जिससे भी छोटे बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड हो सकता है। फटाफट से इसको करो गाइस, आगे चलते हैं। फिर विजिबिलिटी क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है।
लिख लिया होगा इसे, आगे चले, आगे चलते इसको फ्रीज करके लिख लेना। अब गाइज एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक दो फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं, वो तुम लोग जानते हो। अच्छा बताओ, मेरे पास एक कंपाउंड लिखा हुआ है C2H5OH, क्या लिखा हुआ है C2H5OH, क्लियर है गाइस? जिस तरह से एलिमेंट उस सब्सटेंस के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर होते हैं और उनको जिस तरीके से लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम उसका मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला लिखने का तरीका और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, ये होता क्या है? अच्छा बताओ, इस C2H5OH जिसका नाम इथेनॉल है, या सिंपल भाषा में इसको एल्कोहल भी बोल देते हैं, इथाइल एल्कोहल भी बोल देते हैं, कितने कार्बन प्रेजेंट है? दो कार्बन प्रेजेंट है। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? छह हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है? एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बात समझ में आती है? क्लियर है कि नहीं है? बताओ कि ये बात तुम्हें समझ में आती है कि नहीं आती है? अब अगर मैं इनका परसेंटेज यानी कि इनका मैं रेशो निकालूं, तो मेरे पास कार्बन जो है वो है 2, हाइड्रोजन जो है वो है मेरे पास 6, और ऑक्सीजन जो है वो है मेरे पास 1। क्लियर? अब ऑक्सीजन तो एक है, उसको तो अलग ही रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मेरे पास ये सिस्टम आया एक निकल के, और अगर मैं इनका सिंपलेस्ट रेशो निकालूं तो सिंपलेस्ट रेशो इनका आया 1:3। कितना आया गाइज? 1:3। यानी कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो है 1:3, यानी कि एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दो कार्बन पे 6 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन, तीन हाइड्रोजन पे एक ऑक्सीजन। अगर मैं एक इंसर्ट जो मैंने अभी तुम्हें करके दिखाया, अगर मैं इससे एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करूं जहां पे एटम्स अपने सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट हो, किसे प्रेजेंट होगा इस सिंपलेस्ट रेशियो में, मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि दी एटम्स आर प्रेजेंट, दी एटम्स आर प्रेजेंट इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो इन ए कंपाउंड, देन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड known as empirical formula। यानी कि जो भी अब फॉर्मूला बन के आएगा वो इसका empirical formula बन के आएगा। यानी कि अगर C2H5OH का फॉर्मूला मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं CH3 का होल ट्वाइज O। क्या लिख सकता हूं? CH3 का होल ट्वाइज O। ये 2 क्या है? ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस 2 की मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दो, क्या कर दो, इस 2 की मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दो तो तुम्हारे पास बन जाएगा तुम्हारा एल्कोहल, यानी कि C2H5OH, यानी कि C2H6O। क्या बन जाएगा? C2H6O, यानी कि CH3O। क्या भाई? CH3O इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ C2H5OH। यानी कि
अगर एटम्स उनके सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट हो तो हम उसे उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। एक और बेहतर एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि मेरे पास है C2H6, क्या है मेरे पास C2H6। अच्छा, आपने अपनी 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। कार्बन इट्स कंपाउंड्स में आपको एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स के बारे में बताया गया होगा। हालांकि जो तुम लोगों ने 10th क्लास में ना चैप्टर पढ़ा है 4th चैप्टर कार्बन इट्स कंपाउंड्स, उसमें बहुत सारा पोर्शन काट दिया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन मिलेगा और बस कार्बन मिलेगा, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके ही बनेगा। अब इनसे मिलके बनने वाले तीन तरह के सब्सटेंस, यानी कि तीन तरह की नेचर में हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। एक जिनको बोला जाता है एल्केन्स, क्या बोला जाता है इनको? एल्केन्स। एक जिनको बोला जाता है एल्कीन्स, क्या बोला जाता है गाइस इनको? एल्कीन्स। एक जिनको बोला जाता है एल्काइन्स, क्या बोला जाता है गाइस इनको? एल्काइन्स। लिखने का मौका दूंगा, सारी स्लाइड्स को पीछे करूंगा, अभी समझ लेते हैं। एल्केन्स जो होती है वो फॉर्मूला फॉलो करती है CnH2n+2। एल्कीन्स जो होती है वो फॉर्मूला फॉलो करती है CnH2n। बहुत से लोग जानते भी होंगे जिन्हें मैंने पढ़ाया हुआ है। एल्काइन्स होती है CnH2n-2, राइट? यानी कि कार्बन के नंबर है n, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इन तीनों के अंदर ही n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि n किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अगर मैं इसके लिए n की वैल्यू रखूं 1, यानी कि 4n=1, राइट? अगर इसके लिए n की वैल्यू 1 रखी तो C1H2 × 1 2+2 2+2 4, यानी कि मेरे पास बन जाएगा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। क्या बन जाएगा इसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? CH4। अगर इसके लिए निकालूं तो CN1 और 2N2 CH2। एल्कीन जो होती है, एल्केन्स के अंदर पाया जाता है गाइस सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स के अंदर पाया जाता है डबल बॉन्ड, और इनके लिए पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बीच में है? ये है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। यानी कि एल्केन्स तो एक कार्बन से ही बन सकती है, राइट? लेकिन एल्कीन को बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा जी? 2 कार्बन की। सेम एल्काइन को बनाने के लिए भी 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक कार्बन से ना तो ये बनेगी और ना ही ये बनेगी। अगर n=2 लूं, क्या लूं? n=2 ले लूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H2 × 2 4+2 H6, क्या बन जाएगा ये? C2H6। अगर इसकी बात करूं तो C2H2 × 2 4, ये बन जाएगा इज C2H4। और अगर इसकी बात करूं तो C2H2 × 2 4-2 2। अगर फॉर्मूला आता है C2H6, यानी कि CnH2n+2 की फॉर्म का, दैट आर नोन एज एल्केन्स। अगर फॉर्मूला आता है आपके पास CnH2n की फॉर्म का, दीज आर नोन एज एल्कीन्स। अगर फॉर्मूलाज आपके पास आते हैं CnH2n-2 की फॉर्म का, देन इट इज C2H2। आपको कैसे पता लगेगा कि भाई फॉर्मूला किसका है? तो आप सिंपल अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर कार्बन ढूंढ लो और उसको सेट करके देख लो कि हाइड्रोजन किसके हिसाब से सेट आ रहे हैं। अगर 2 × 2 ज्यादा है कार्बन के नंबर में, 2 × 2 ज्यादा, तो हाइड्रोजन एल्केन्स बन चुकी। अगर जस्ट 2 × है, जैसे कि कार्बन 2 है हाइड्रोजन 4 है, तो एल्कीन्स। अगर कार्बन 2 है और उसके 2 × में से भी 2 कम है, यानी कि 2 × 2 = 4 और उसमें से भी 2 कम, कितने? 2, तो एल्काइन्स है, पता लग जाएगा। अब मैं C2H6 की बात कर रहा था,
C2H6 क्या है गाइज, ये एक तरह की एल्केन है। क्या है ये? एक तरह की एल्केन है। और ये एल्केन कौन सी है? अगर N का, अगर N वन होता है, एक चीज और सिखानी है तुम्हें, एक चीज और सिखानी है, वो इधर सिखा देता हूं, राइट। अगर N वन होता है तो उसके लिए लगाते हैं मेथ। क्या लगाते हैं उसके लिए? मेथ। अगर ये वन है, अगर ये टू होता है तो लगाते हैं एथ, थ्री है तो लगाते हैं प्रोप, फोर है तो लगाते हैं पेंट, फाइव है तो लगा, फोर है तो लगाते हैं ब्यूट। ब्यूट, फाइव है तो लगाते हैं पेंट, सिक्स है तो लगाते हैं हेक्स, सेवन है तो लगाते हैं हेप्ट, एट है तो लगाते हैं ओक्ट, नाइन है तो लगाते हैं नोन, और टेन है तो लगाते हैं डेक। क्या लगाते हैं? डेक। अब अगर एक कार्बन में एल्केन है तो एल्केन के इन द एंड तुम देख रहे होगे कि यहां पे एन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एन। यहां पे क्या लगा हुआ है? इन। और यहां पे क्या लगा हुआ है? आइन। क्या लगा हुआ है यहां पे? आइन। अगर फॉर्मूला आता है इस तरह का तो एक कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे? मेथ। क्या यूज करोगे? मेथ। फॉर्मूला कौन सा फॉलो कर रहा है? एल्केन का, तो मेथ के एंड में लगा दोगे एन। नाम क्या बन जाएगा? मीथेन। क्या नाम बन जाएगा इसका? मीथेन। अगर आपके पास है फॉर्मूला ये, राइट, C2H6, तो कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? एथ। और एथ भी क्यों आ रहा है? एन के हिसाब से। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेन। सेम अगर इसका बात करें तो उसका नाम क्या होगा? दो के लिए एथ, और क्योंकि बाद में इन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। क्या हो जाएगा इसका नाम? इथीन। देखो बाद में इन लगाया है। अगर CnH2n-2 की बात करें, दो कार्बन के लिए क्या हुआ? एथ। फॉर्मूला कौन सा फॉलो कर रहा है? आइन वाला। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथाइन। यानी कि एथ, एथ सबके अंदर है, दो कार्बन अगर हो गए तो वहां पे एथ लगाएंगे। अब पीछे क्या लगाना है वो डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। अगर फॉर्मूला फॉलो कर रहा है एल्केन का, देन एड एन। अगर फॉर्मूला फॉलो कर रहा है एल्कीन का, देन एड इन। अगर फॉर्मूला फॉलो करता है एल्काइंस का, देन एड आइन। क्लियर है? तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया, ये आया हमारे पास फॉर्मूला इथेन का। किसका आया गाइज? इथेन का। अब ये इथेन का क्या है? ये है इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या है? इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन अगर इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात करें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका गाइज क्या हो जाएगा? CH3। क्या हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला? CH3 का होल ट्वाइस। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया CH3 बन के, यानी कि CH3 जो मेरे पास बन के आया, ये बना इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसको हम क्या बोल देंगे? EF। क्या बोल देंगे इसको? EF। और ये जो हमारे पास ऊपर डब्बे में बंद है, ये क्या है इसका? मोलिकुलर फॉर्मूला। इसको क्या बोल देंगे? MF। क्या बोल देंगे इसको? MF। तो MF से EF और EF से M लिखने का तरीका पता लगा? इसको एक बार लिखो, फिर दोनों में रिलेशन बता देता हूं, फटाफट से लिख लो। ये लिखने से पहले आपको लिखना ये,
ये एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख लेना, और अभी लिखना सिखाऊंगा, अभी लिखना आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। किसका कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना पता लग जाएगा सब। फटाफट से लिखो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख सकते हैं। एटम्स प्रेजेंट इन देयर एक्चुअल रेशियो, यानी कि जितने हैं उतने ही लिखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और उनको रेशियो में सिंपलेस्ट छोटे छोटे रेशियो बना के लिखोगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, एग्जैक्ट बताता है कि इसके अंदर इतने कार्बन इतने हाइड्रोजन इतने ऑक्सीजन, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताएगा, रेशियो बताएगा, वो भी छोटे से छोटा। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि CH3O के अंदर अगर एल्कोहल बनाना चाहते हो तो कौन सा एल्कोहल बनेगा भाई, आप नंबर ऑफ कार्बन 3 ले लो, 3 के हिसाब से 3 3 कर दो तो C3H9O बन जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमें कंपाउंड के अंदर ये नहीं पता लगता कि कितने एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, पर हाँ ये जरूर पता लग जाता है कि उनका रेशो क्या है, यानी कि वो एक दूसरे के कितने 2 गुने हैं, कितने 3 गुने हैं, कितना 4 गुने, कितने नंबर में है, ये पता लग जाता है, केवल मोटा मोटा सा आइडिया। गाइस ये डेफिनेशन दोनों की दोनों ही आपको क्लियरिटी देगी। दोनों ही डेफिनेशंस आपको क्लियर देगी। इसको पॉज करके लिखना गाइस, अभी नेक्स्ट का नंबर भी है, इसको लिखो गाइस फटाफट। इथेन, एल्केन का फॉर्मूला आया तो एन जोड़ दो, एल्कीन का फॉर्मूला आया तो बाद में ईन जोड़ दो, एल्काइन का फॉर्मूला आया बाद में आइन जोड़ दो, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मिथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन, डेक, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन, नोनेन, डेकेन। मीथेन तो बनती नहीं क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन चाहिए इसको तो बनने के लिए, तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ओक्टीन, नोनीन, डेकीन। एल्काइन्स भी 2 से बनेगी तो पहला तो नहीं लिखेंगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ओक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। क्लियर, जो आएगा फॉर्मूला उसके हिसाब से लगेगा पीछे जुड़ने वाला, और जो आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन एटम उसके हिसाब से लगेगा आगे वाला।
यानी कि इथेन बना है एथ प्लस एन से, एथ आया है फोर टू कार्बन, एन आया है क्योंकि ये फॉर्मूला फॉलो करता है एल्केन की कैटेगरीज का, सी एन एच टू एन प्लस टू। क्लियर, फटाफट से इसको लिखो। भाई ये तुमने अपना टेंथ क्लास में सीखा है, इतना जो कुछ भी है ये टेंथ क्लास में सिखाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ओनली एंड ओनली कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन्स। फटाफट से लिखो गाइज। लिख लिया होगा गाइस, आगे चले, आगे एम्पिरिकल फॉर्मूला को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं C2H4 की। अब C2H4 जो है वो है इथीन, क्या है ये इथीन, और ये इथीन का है मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या है ये इथीन का मोलिकुलर फॉर्मूला। लेकिन अगर आप इसको और सिंपल रेशियो में लिखना चाहो तो आप लोग इसको लिख सकते हो CH2, क्या लिख सकते हो आप इसको CH2 का होल टूवाइस, क्या लिख सकते हो आप इसको गाइज CH2 का होल टूवाइस, यानी कि CH2 का होल टूवाइस भी लिख सकते हो, इसका सिंपलेस्ट रेशियो है, यानी कि CH2 जो है वो इसका आया गाइज एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में रिलेशन, यानी कि रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों के बीच में रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता लगाएंगे क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो गाइज मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है MF वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के होल टूवाइज N के बराबर होता है, किसके बराबर होता है N के बराबर, जहां पे N एक वेयर एन इज ए कंप्लीट इंटीगर, इंटीगर का मतलब क्या होता है एक कंप्लीट नंबर है, या आप इसको लिख सकते हो वेयर एन इज ए वोन नंबर, एक्सेप्ट जीरो, एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, एन जीरो नहीं हो सकता, एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन कहीं तक भी हो सकती है, एक कंप्लीट नंबर होगा, एक पूर्णांक होगा, पूर्ण अंक होगा, कंप्लीट नंबर होगा, जीरो एक्सक्लूड करके, जीरो को छोड़ के। जैसे कि अगर सी टू एच फोर की बात करूं तो सी टू एच फोर जो है वो सी एच टू के होल टूवाइस के बराबर है कि नहीं है, यानी कि ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है और ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है,
और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है एन की, किसकी वैल्यू है ये एन की वैल्यू है, लिख लो उसको फटाफट, ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर है। ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल किसका कर लेते हैं गाइज, C3 C2H2 का ही कर लो, तो C2H2 का क्या जाएगा CH का होल ट्वाइस, तो ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसका क्या है एम्प्लीकल फॉर्मूला, और ये किसकी वैल्यू है N की वैल्यू है, क्लियर है ओके। एक छोटा सा एग्जांपल और कराऊंगा जहाँ पे N की वैल्यू 1 भी हो सकती है, जैसे कि CH4, तो CH4 को CH4 ही लिख सकते हैं, है ना, यानी कि एम्प्रिकल फॉर्मूलाज और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं, जैसे यहीं पे कर लेते हैं, एग्जांपल करते हैं CH4 का, तो CH4 किसके इक्वल होगी CH4 का होल ट्वाइस 1 के इक्वल होगी, तो CH4 ही इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, CH4 ही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, और N की वैल्यू जहाँ पे 1 है, तो ये भी इसका सिंपल हो चुका कि भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूलाज सेम भी आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लियर है। एक ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ये है, एक का इस एग्जाम्पल ये है, और ये तुम्हारे पास, तो ये तो तुम्हारे पास फॉर्मूला ही आ चुका, फटाफट से लिख लो। अब क्लियर हुए मोलिकुलर फॉर्मूलाज और एम्पिरिकल फॉर्मूलाज, मोलिकुलर फॉर्मूला बताएगा कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएगा सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द एटम्स, वो कम भी हो सकता है जस्ट बराबर भी हो सकता है, यहाँ पे तो हमेशा कम ही है लेकिन इसके केस में अगर देखें तो बराबर भी है ना, फटाफट से लिखो। लिख लिया, ये एग्जाम्पल भी लिखना है, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, ठीक है जी। CH2 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथीन, या इस कंपाउंड का जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है। इस चार्ट में तुम्हें सब कुछ दिखा भी है कि क्या N की वैल्यू है, क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला है, क्या तुम्हारे पास यहाँ पे 2 और आएगा गाइस, सॉरी 2 CH2 का होल ट्वाइस, ध्यान रखना अभी अभी चेंज किया CH2 का होल ट्वाइस, क्लियर। इसके अंदर बस एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस ही करने हैं। एक कॉन्सेप्ट और बचा है, इसके बाद क्वेश्चंस लगाते, चैप्टर खत्म।
ये ध्यान रखना, रिलेशन ये कैलकुलेशंस करने में काम आएगा। तुमसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, जब सवाल करने होगे ना तब तुम्हें मैं सब कुछ सिखा दूंगा कि कैसे किसका क्या पूछा हुआ है। सवाल ही देख लेंगे हम लोग, आए हुए जो सवाल हमारे सिलेबस में है वो सवाल ही कर लेंगे हम लोग। सबसे सीधी सिंपल सी बात तो यही है ना। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और सीखना है इसके अंदर, वो भी बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। वहाँ कहानी वापस से मोल निकालने की आ जाएगी, एक मोल में कितना होता है, क्या होता है। चलेगा इस आगे, इसको लिख लेना, पॉज करके फ्रीज करके लिख लेना, आगे चलते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं जी, लिमिटिंग रिएजेंट। एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं गाइज, लिमिटिंग रिएजेंट का। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, क्या नाम दे दिया लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्यों बोल रहे हैं किसी को लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा एक काम करते हैं, एक रिएक्शन समझते हैं, एक रिएक्शन लेके चलते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी भाषा में लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब बताता हूँ। रिएजेंट मतलब कोई भी एक स्पीसीज रिएक्टेंट की साइड से, रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट की साइड से। लिमिटिंग मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, किस में प्रेजेंट हो, कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। अब आपको कार्बन के दे दिए 6 ग्राम, कितने दे दिए भाई 6 ग्राम, और ऑक्सीजन के आपको दे दिए 32 ग्राम, कितने दे दिए गाइज 32 ग्राम। आइए एक बार मतलब समझ लेते हैं इस रिएक्शन का, कि रिएक्शन क्या बोलती है, इस रिएक्शन की जुबान सुन लेते हैं, इस रिएक्शन की एक जबानी है वो सुन लेते हैं। वो जबानी क्या है, वो जबानी ये है, ये पहले तो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। सबसे पहला जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो है रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन नहीं है। देखो गाइस, बैलेंसिंग आपने 10th क्लास में सीखी है और वो आपके सिलेबस से नहीं हटी थी। एक बार फिर भी मैं इसको बैलेंस करके दिखा देता हूँ। एक कार्बन, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स एरो के लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स एरो के राइट हैंड साइड भी होनी चाहिए, तभी उस रिएक्शन को बोला जाता है कि वो रिएक्शन गाइज बैलेंस्ड है। क्लियर है, ये रिएक्शन है परफेक्टली बैलेंस्ड। और ये जो सिस्टम में है ये गिवन दिया हुआ है, क्या है, गिवन दिया हुआ है, एंड पूछा है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पूछा है, विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमसे क्वेश्चन उसने पूछ लिया। अब इसको समझने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले, ये रिएक्शन खुद में क्या बोलती है उसको देख लेते हैं। अब एक तुम्हें मैं वर्ड बोलूंगा, स्टीचियोमेट्री, या जिसको मैं बोलता हूं सोशोमेट्री, स्टीचियोमेट्री या सोशोमेट्री, स्टीमेट्री। स्टीचियोमेट्री, क्लियर, स्टीचियोमेट्री होती है जो इनके सामने लिखा रहता है। जैसे यहां पे एक लिखा है, यहां पे एक लिखा है, और यहां पे भी क्या लिखा है, एक लिखा है, यानी कि इनकी जो सोशोमेट्री है वही इनके नंबर ऑफ मोल्स है। यानी कि ये रिएक्शन बोलती है कि 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल कार्बन 1 मोल CO2 दे रहा है, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। यानी कि इस रिएक्शन के हिसाब से दोनों ही एक एक मोल अगर है तो ही तुम्हें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकती है। अगर कोई भी 1 मोल से कम है
यानी कि जितने मोल इसके है उतने इसके होने चाहिए। बात समझ में आती है? जितने मोल इसके है उतने ही मोल इसके होने चाहिए, तभी आप एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो। अब आइए चेक करते हैं कि हमारे पास कार्बन के कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो कार्बन का जो गिवन मास है वो है 6 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो आपको मैंने बताया था, क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है इसका? 6, और मोलर मास कितना होता है इसका? 12। तो ये आया गाइस 1/2, यानी कि 0.5 मोल। कितने मोल आए इसके? 0.5 मोल आए। अब बात कर लेते हैं O2 की। O2 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? O2 का मास कितना है? एक ऑक्सीजन का होता है 16, और O2 का कितना हो जाएगा? 32, और 32 इसका गिवन मास है अपॉन मोलर मास, 32 गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका नंबर ऑफ मोल आया 1, राइट? या मैं बोल सकता हूं, इसको मैं एक तरीके से और भी बोल सकता हूं, और 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ O2 एंड गिव 1 मोल ऑफ CO2। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? भाई 1 मोल कार्बन का 1 मोल O2 के साथ रिएक्शन करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब इसका तो 1 मोल आपके पास प्रेजेंट है, लेकिन इसका तो केवल 0.5 मोल ही है। ये है गिवन डाटा। ये क्या है? गिवन डाटा। यहां से नीचे चल रहा है क्या क्या गाइस? ये आपको सब गिवन है, ये सब आपको गिवन है। ये 6 ग्राम और 32 ग्राम, ये आपको गिवन है। आपको यहां से निकालना था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के हैं और कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के। अब देखो कि ऑक्सीजन का तो 1 मोल कंप्लीट है, लेकिन कार्बन के कुछ नंबर ऑफ मोल्स कम से पड़ते नजर आ रहे हैं, केवल 0.5 ही है। यानी कि कार्बन के केवल 0.5 मोल है और ऑक्सीजन का 1 मोल है, यानी कि कार्बन के 0.5 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके केवल 0.5 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। 0.5 ऑक्सीजन के वेस्ट पड़े रहेंगे। और अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो इसका 1 मोल है, हमें यहां 1 मोल अगर चाहिए तो इसका भी 1 मोल होना चाहिए था, लेकिन इसका 1 मोल ना होके कुछ कम है, मतलब कि मेरे पास रिएक्शन में ये कम पड़ गया। क्या हो गया? कम पड़ गया, कम 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 मेरे पास आया, यानी कि मुझे और कार्बन ऐड करने की जरूरत है कंप्लीट 1 मोल बनाने के लिए। इसका मतलब इस रिएक्शन में कार्बन इज LR, कार्बन एक लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है कार्बन? लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन ए रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। क्या डेफिनेशन क्या आई? डेफिनेशन आई द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, अमाउंट भी कौन सी निकालनी है? बाई मोल, इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि जो एक केमिकल रिएक्शन में अपने मोलों की संख्या के हिसाब से कुछ कम में प्रेजेंट होगा, यानी कि रिएक्शन की रिक्वायरमेंट थी 1 मोल कार्बन की, लेकिन वो केवल 0.5 मोल ही दे रहा है, तो मतलब उस रिएक्शन में वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है वो? एक लिमिटिंग रिएजेंट है। इसको फटाफट से लिखो, फिर इसके बाद में डेफिनेशन लिखना। पर रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तभी आप चेक कर सकते हो। रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड
देन यू कैन ओनली एंड ओनली ऑन दैट कंडीशन यू कैन नो विच इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड विच इज एक्सेसिव रिएजेंट. ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये प्रेजेंट है एक्सेस में. लिखो गाइस फटाफट. ये इस रिएक्शन का मतलब है. ये क्या है? मीनिंग ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन क्या बोलती है? ये गाइस इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट था, लिमिटिंग रिएजेंट. इस चैप्टर में मैंने तुम्हें सब कुछ करा दिया. क्लियर है? एक और एग्जांपल लेके चलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को समझने का, तभी लिमिटिंग रिएजेंट हमें और अच्छे से क्लियर होगा, तभी आप उसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे. मेरा केवल एक ही मकसद है, कंटेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तक लेके जाना. चीज़ों का मतलब पता लगता है प्रैक्टिकल करते हुए. थ्योरेटिकल वैल्यू से हम केवल चीज़ों के बारे में जान सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट अगर उस चीज़ की फीलिंग हमें चाहिए, उस चीज़ का नज़रिया हमें चाहिए, तो उसे हमें प्रैक्टिकल लेवल पर लेकर चलना पड़ेगा. यानी कि विदाउट एग्जाम्पल लिमिटिंग रिएजेंट को समझना एक किस्म की बेवकूफ़ी थी. और लिमिटिंग रिएजेंट को तभी समझा जा सकता है जब आप इस रिएक्शन का मतलब समझते हो. यानी कि एक मोल कार्बन के लिए एक मोल ऑक्सीजन चाहिए था, लेकिन एक मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कुछ कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए कार्बन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है. इस गिवन डाटा के हिसाब से, इस रिएक्शन में जो अमाउंट आपको दी हुई है ये वाली, इस अमाउंट के हिसाब से कार्बन जो है वो कम मात्रा में प्रेजेंट है, इसलिए वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है. फटाफट से इसको लिखो, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं. स्टीचियोमेट्री बहुत बड़ी चीज नहीं होती, जो नंबर इनके पहले लिखा रहता है इनको स्टीचियोमेट्री बोलते हैं. क्लियर है? जो नंबर पहले लिखा होता है इसी को बोलते हैं स्टीचियोमेट्री. लिख लिया होगा गाइस, पॉज करके लिखना. आगे इसकी डेफिनेशन लिखो और नेक्स्ट एग्जांपल भी कराता हूँ. अभी डेफिनेशन मत लिखो, साथ में लिखना. एक और एग्जांपल लेके चलते हैं. आपने एक रिएक्शन कल पढ़ी थी, H2+O2 गिव्स H2O2. ये रिएक्शन क्या बोलती है? ये रिएक्शन बोलती है वन मोल ऑफ H2
वन ही लिखा है क्या सामने? अरे जो नहीं लिखा होता उसको वन ही बोलते हैं। वन मोल ऑफ एस टू रिएक्ट्स विद वन मोल ऑफ ओ टू एंड गिव्स कितने मोल ऑफ एस टू ओ टू एंड गिव्स वन मोल ऑफ एच टू ओ टू। एक मोल एस टू का एक मोल ओ टू के साथ रिएक्शन करके एक मोल एस टू ओ टू बनाता है। आइए देखते हैं गिवन क्या है। गिवन दिया है, गिवन क्या दिया गाइज, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितना दिया है? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इन अमाउंट से देख के पता नहीं लगाना, ये अमाउंट तो साफ साफ बोल दे कि हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट होगा। बाई मोल्स मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? बाई मोल्स लिखा है। तो मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपको। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? इसका गिवन मास कितना है? 2 ग्राम। और H2 का मोलर मास कितना होता है? 2। यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गाइस 1 आ चुके। अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो उसका गिवन मास कितना है? 8 ग्राम। और O2 के लिए उसका मोलिकुलर मास कितना होता है? एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो O2 का यानी कि 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 + 16 = 32। कितना हो जाएगा? 32। 8 × 4 = 32, 1/4 आया। 1/4 को 4 करें तो क्या जाएगा? 0.25। कितना आ जाएगा गाइस? 0.25। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो एक मोल पूरा प्रेजेंट है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो एक मोल से कम प्रेजेंट है। इट मींस इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। डिजायर्ड अमाउंट कितनी थी? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कितनी रिक्वायरमेंट थी? 1 मोल ऑक्सीजन की। और हमारे पास आए कितने? 0.25 मोल। इट मींस O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि O2 इस रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट है गाइस। लिख लो गाइस फटाफट, समझ में आ गया एग्जांपल। और ये गिवन है, ये गिवन मास होता है कि अगर एक रिएक्शन में, ये रिएक्शन बैलेंस भी होनी चाहिए, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, बिना बैलेंस के कुछ नहीं है। पहले बैलेंस करना है फिर समझना है, क्योंकि बैलेंस नहीं करोगे तो ये कैसे पता लगाओगे कि कौन कितना चाहिए था, है ना। बैलेंस करने के बाद ही तो पता लगा कि एक मोल एच टू का एक मोल ओ टू के साथ रिएक्शन करने पर एक मोल एच टू ओ टू बनाता है। तो बैलेंस करना पहले जरूरी है, बैलेंस के बाद उनकी जो अमाउंट्स दी है कन्वर्ट देम इनटू नंबर ऑफ मोल्स, और उसके हिसाब से जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स कम आते हैं डिजायर्ड के हिसाब से, अगर नंबर ऑफ मोल्स एक्चुअली में कम हैं तो जिसके कम हैं वही उस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि वही उस रिएक्शन में गवर्न करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यानी कि एस टू तो बचा रहेगा ऐसे ही फालतू तुमने ले लिया, लेकिन H2O2 बनाने के लिए तो केवल 0.25 ही चाहिए थे, या अगर ज्यादा बनाना है तो ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ाओ तभी बनेगा ज्यादा, है ना। लिखो फटाफट। डेफिनेशन क्लियर है? दो तरह के एग्जाम्पल्स आपको करा दिए, एक एग्जाम्पल से और समझा दूंगा, और जो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए होंगे उनके हिसाब से भी समझ लेंगे। क्वेश्चंस हम सब लोग के करने वाले हैं, क्वेश्चंस किसी का नहीं छोड़ेंगे।
आगे चले, पोज करके लिखना। एक एग्जांपल वो कर लेते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। पहले तो समझ लो कि रिएक्शन बोलती क्या है। ये रिएक्शन बोलती है, देखो अब की बार मैंने स्टीचियोमेट्री जो है या सोशोमेट्री जो है वो बढ़ा दी, एक से ज्यादा बढ़ा दी। इसका मतलब है कि 2 mole of H2 रिएक्ट्स विद 1 mole of O2, 2 mole H2 के 1 mole O2 साथ रिएक्शन करते हैं एंड गिव्स 2 moles of water, 2 moles of H2O। ये पता लग गया, बैलेंस करी तो ही पता लगा। 2 × 4 हाइड्रोजन, 2 × 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 और 1, 2 ऑक्सीजन। क्लियर? अब गिवन क्या है? गिवन है जी H2 के अमाउंट गिवन है 2 ग्राम। कितनी की गिवन है गाइस? 2 ग्राम। और O2 की जो अमाउंट है वो गिवन है 64 ग्राम। कितनी ग्राम है? 64 ग्राम। और पूछ लिया कि बताओ विच इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, तो कुछ नहीं करना हमें, हमें क्या करना है? इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। गिवन मास कितना है इसका? 2। इसको भूल जाओ, 2 को भूल जाओ। ये 2 जो है ये तो केवल स्टीचियोमेट्री है, लेकिन H2 का जो मास है वो 2 ग्राम है, 2 ही लेंगे। और H2 का ही हमें मोलर मास लेना है, वो भी कितना होता है? 2। यानी कि N = आ गया 1 मोल। कितने मोल प्रेजेंट है इसके? एक्चुअल में 1 मोल प्रेजेंट है। N निकालते हैं किसके? O2 के। O2 का गिवन मास कितना है? 32। और गिवन मास, मोलर मास कितना होता है? 32। मोलर मास, सॉरी, N के लिए, O2 के लिए गिवन मास है 64 और मोलर मास है 32, तो N की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखो हाइड्रोजन के मोल तो केवल 1% है और ऑक्सीजन के मोल 2% है, जबकि रिएक्शन बोलती है कि हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए और ऑक्सीजन का होना चाहिए 1। यानी कि हाइड्रोजन की अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन से 2 गुनी होनी चाहिए, यही तो बोलता है। अगर 1 mole O2 का है तो 2 चाहिए मुझे किसके? H2 के। अगर यहां पे 2 है O2 के तो कितने चाहिए थे? शुड बी 2 × 2, ये होने चाहिए 4 मोल, लेकिन है कितना? केवल 1 मोल। इसका मतलब, इट मींस इन दिस रिएक्शन H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई बात? कैसे? नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए। देखो इस स्टीचियोमेट्री जो है वो पता करने के लिए है कि कितने मोल किसके चाहिए थे, किस रेशियो में चाहिए थे। इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसको तो सिंपल वैसे ही निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आया 1, ऑक्सीजन क्या है? 2, और ऑक्सीजन के जस्ट 2 गुने होने चाहिए थे हाइड्रोजन के, लेकिन यहां तो आधे ही है, होने चाहिए थे 4, है 1, 3 मोल कम है, मतलब कि ये अमाउंट कम प्रेजेंट है, यानी कि ये इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है? इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट है। ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ। अभी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और करना रहता है, जो पेपर में 110% स्कूल्स के आता है, और वो डिपेंड करता है परसेंटेज कंपोजिशन, मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, तीनों को कंबाइन करके। ये हम करेंगे कल, और जो हमारे नीट जेई मेंस में क्वेश्चन आए इस चैप्टर से वो भी हम लोग करेंगे कल गाइज। आज के लिए इतना ही, इसको पॉज करके लिखेंगे। आई विल चेक इन योर नोट्स कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। गिवन रिएक्शन थी ये, दिस इज योर गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन के हिसाब से इसका मतलब क्या है, ये इसका हमने मायना लिख लिया, राइट। आज के लिए इतना ही करते हैं गाइज, कल करेंगे फिर से, इसको लिख लो। अगर कहीं डाउट आता है तो उसको कल फिर से मुझे बताना, मैं कल को फिर से इसका एग्जाम्पल लेके तुम्हें और समझाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज़।